नमस्कार, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित 21वें भारत रंग महोत्सव के समापन समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध वरिष्ठ रंग निदेशक और अभिनेता श्री रुद्र प्रसाद सिंह गुप्ता जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी और प्रभारी निदेशक श्री सुरेश शर्मा जी से निवेदन करूंगी, कृपया मुख्य अतिथि को आप मंच पर आने की कृपा करें। आप सबसे निवेदन, कृपया करतल ध्वनि के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। और अब हम डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी से निवेदन करेंगे, कृपया मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी, श्री रुद्र प्रसाद सिंह गुप्ता जी को पुष्पगुच्छ शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। अब हम प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी से निवेदन करेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें। उनको कौन देगा? मुझे देना पड़ेगा। और अब हम डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी से निवेदन करेंगे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रभारी निदेशक श्री सुरेश शर्मा जी को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट करके। ये अभिनंदन, ये स्वागत इन 21 दिनों के सफल संचालन के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, भारंगम का आज समापन समारोह है और 21 दिन का हमारे ये कार्यक्रम जो आप सब लोगों के सहयोग से सफल एवं सार्थक रहा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रभारी निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी, जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा नवाबों के शहर लखनऊ से शुरू की, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय में दक्षता प्राप्त करने के बाद रंगमंच को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए सुदूर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के मंडी में रंगमंडल और रंगमंच अकेडमी की स्थापना की। नाटकों में अभिनय की बात हो या प्रतिष्ठित रंग निर्देशकों के साथ कार्य करने की, प्रोफेसर सुरेश शर्मा का अनुभव बहुत ही वृहद और समृद्ध रहा है। उसी का लाभ आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षार्थियों को मिल रहा है कि जब वे प्रभारी निदेशक के रूप में पदभार संभाले हुए हैं। आप सबकी कटु ध्वनि के बीच मैं निवेदन करने जा रही हूं प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। नमस्कार, मंच पर आसीन आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता जी, सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी, मैं 21 दिनों तक चले इस 21वें भारत रंग महोत्सव की समापन सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही धन्यवाद व्यक्त करता हूं उन नाट्य दलों का जो अपनी प्रस्तुति के साथ यहाँ आए और 21 दिनों तक चले इस रंग महाकुंभ समारोह को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान प्रदान किया। शनिवार का दिन था जिस दिन 21वां भारत रंग महोत्सव आरंभ हुआ और आज 21 दिनों बाद शुक्रवार के दिन अपनी अंतिम संध्या पर पहुंच गया है।
आज का दिन एक और वजह से खास हो जाता है, आज महाशिवरात्रि है। भारतीय संस्कृति में शिव नृत्य के देवता हैं, नटराज हैं, वो तांडव करते हैं विनाश का नृत्य। इस नृत्य में विनाश तो है ही, लेकिन विनाश है भ्रम का, अपूर्णता का, विनाश है पुराने और रूढ़ विचारों का। इस अर्थ में शिव का तांडव नव सृजन का नृत्य है। शिव की तांडव भंगिमा को अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि उनके पांव के नीचे एक छोटे शरीर वाला दैत्य है। इस दैत्य का नाम है अप्सरमारा। शिव उस दैत्य को अपने पांव के नीचे दबाए हुए नृत्य करते दिखाए गए हैं। अप्सरमारा अज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का शत्रु है, ज्ञान के मार्ग में बाधक है। इस अर्थ में शिव अज्ञान को पांव के नीचे दबा ज्ञान का नृत्य करते हैं, ज्ञान के वाहक के रूप में नजर आते हैं। शिव अंत करते हैं ताकि नए का आरंभ हो, नवीन सृजन हो सके। आज ये महोत्सव उसी नवीन सृजन की अपेक्षा के साथ अंत हो रहा है। इस नाट्य समारोह में देश विदेश के 91 नाट्य दलों ने अपनी प्रस्तुतियों के साथ हिस्सा लिया। इन 21 दिनों में इन 91 नाटकों की कुल 101 प्रस्तुतियां दिल्ली के साथ साथ देहरादून, पांडिचेरी, शिलांग और नागपुर शहरों में की गई। इन 91 नाटकों के अतिरिक्त हमारी एलाइड एक्टिविटी भी समारोह का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। एलाइड एक्टिविटी के अंतर्गत 34 छात्र प्रस्तुतियां थी, 24 लोक कलारूप, एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार तथा मास्टर क्लास, लिविंग लेजेंड एवं इंटरफेस के कार्यक्रम किए गए, जिसमें देश विदेश के 50 से भी अधिक रंग व्यक्तित्वों एवं चिंतकों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा अपनी रचना प्रक्रिया से हमें रूबरू कराया। प्रतिदिन मीट द डायरेक्टर कार्यक्रम के तहत हम तमाम निर्देशकों से मिले और उनकी रचना प्रक्रिया से रूबरू हो पाए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भारत रंग महोत्सव देश भर के नाटकों का उत्सव है, महाकुंभ है। एक ऐसा अवसर होता है जब हम देश भर के नाटककर्मियों से उनकी रचना प्रक्रिया के माध्यम से मिल पाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में विविध संस्कृति, भाषा एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इस समारोह में हो पाए, यही हमारा प्रयास रहता है और इस बार भी यही हमारा प्रयास रहा। भारत रंग महोत्सव में नाटकों के चयन को लेकर प्रायः सवाल उठाए जाते रहे हैं। ऐसे विविधता वाले देश में चयन प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है। हम प्रयास करते हैं कि नाटकों के चुनाव में सतर्कता बरती जाए, हम पारदर्शिता का पालन करें, इसका हम हमेशा प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपकी आलोचना और आपके सुझावों का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। आज का अवसर अधिक कुछ कहने का अवसर नहीं है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सबों का, जिनकी भागीदारी के बिना महोत्सव को सफल बनाना लगभग नामुमकिन था। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, आइए हम अपनी अपस्मारा रूपी अज्ञानता को अपने पैरों के नीचे दबाएं, भ्रम को त्यागें, रूढ़ियों को छोड़ें, अपने अधूरेपन की तिलांजलि दें और साथ मिलकर के नव नूतन सृजन का नृत्य करें। जय रंगकर, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी स्वागत उद्बोधन के लिए। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ रंग निर्देशक और अभिनेता आदरणीय श्री रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता जी, who has contributed remarkably not only in the field of theatre but also in academics. As a reader in English in BKC College, Kolkata, and as a visiting lecturer in drama department of Rabindra Bharati University. सर के बारे में जब मुझे जानकारी उपलब्ध कराई गई और कहा गया कि आपको उनके विषय में बोलना है, तो यकीन जानिए इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उल्लेखनीय लगी कि जिनका जिक्र होना चाहिए, लेकिन समय का अपना अभाव है। फिर भी कुछ बातों को ज़रूर रेखांकित करना चाहेंगे। 5 दशकों से लंबी यात्रा, जिसमें आप लेखन की बात करें, रेडियो की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, रंगमंच की बात करें, पत्र पत्रिकाओं की बात करें, एक लंबी यात्रा रही है जिससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं ऑनरी डायरेक्टर के तौर पे बात करूं,
तो बहुत लंबी सूची है उन ऑर्गेनाइजेशंस की, उन कल्चरल बॉडीज की जिनका सह हिस्सा रहे हैं. अवार्ड्स की बात की जाए, फेलोशिप्स की बात की जाए, फिर मैं कहूँगी कि वो सूची अंतहीन है. मुझे बहुत दुविधा हो रही थी और मुझे लगा कि आप उनके विषय में सुनने से ज़्यादा उनको सुनना चाहेंगे. आप सबकी कटुध्वनि के बीच हम निवेदन कर रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता जी से. Ashirvad for the young people and greetings for the Kampiyas and badhai for the people who are struggling to do theater. दो मिनट में खत्म करें, तीन मिनट. In the middle of 60s, when I came to perform in Delhi, amongst the audience there was one gentleman called Ibrahim Al-Qazi. I didn't invite him, I didn't know him at that time. He came on his own. He had the tendency of spotting people. And then next day he took me to NSD, made a sort of a guided tour, and that guided tour included the toilets of the ladies' hostel. उधर जाके कैसे साफ सुथरा है क्या ये सब दिखा के. देन ही केम बैक एंड वी हैड अ लॉन्ग चैट. दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद फर्स्ट विद एनएसडी. एंड सिंस देन सो मेनी डायरेक्टर्स, बीवी करंत, मोहन महर्षि, सो मेनी इंक्लूडिंग माय वेरी डियर फ्रेंड राम गोपाल बजाज and all others, last but not the least Suresh. These people have all been very friendly to me and I think I have also been very friendly to them. Now about NSD. NSD, I have a mixed feeling for NSD. I love NSD because here so many things are happening and have been happening and shall continue to happen, training of people and all that. But at the same time, I'm jealous of NSD because they have too much resources, they have too much funds. And I sometimes feel the Arjuns and Vimas, Nakuls and Sahadevs, and of course Yudhishthir, these people are under the very safe and important umbrella of NSD, but I think about the equilibrium. Let us, that's my point, that NSD must find out that there are lots of very talented people in such a vast country called India. And it is not possible to reach to all of them, but there should be consistent efforts. A sort of pagalpan. Kahan hai? Kaun hai? Kya kar rahe hai? This has to be found out. Because NSD looks very healthy for me. NSDites look very healthy to me. But I at once remember a Tagore saying, where he said that sharir ka sab khoon jab muh mein jaakar jama hota hai to dekhne mein bada sundar lagta hai lekin wo swasth nahi hai. I mean
all the blood coming to Delhi and going to NSD is not health for Indian theatre. So there must be some balance. And Bajaj, I wish some ministers were today here. It would have been an opportunity to pinch them. because that's the most I can do, pinch, not even bite. but Suresh here, my friend Arjun is here, and there is Bajju, and so many theatre lovers, theatre activists, theatre laborers are here. Let them. मैं कभी कभी वो सरकारी मीटिंग में जाकर बोलते हैं आप लोग हम लोग को रियायत नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत, क्यों हमारा कोई फोरम नहीं है, हमारा थिएटर का कोई रिक्शा वाला का है, ठेला वाला का है, सब लोग का यूनियन है, हमारे थिएटर का कोई यूनियन है? अगर होता तो सैकड़ों लोग जाके आपको शास्त्री भवन को हिला दे सकता था. तो ये क्लैप्स आर बीइंग मिक्स्ड. अच्छा, दैट इज कॉल्ड फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स. तो मैंने बहुत बोल लिया, आप अर्जुन से सुनेंगे और बाकी सब से आप सुनेंगे, फिर रतन मेरे प्यारे रतन का प्ले है आज रात को, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, आई एम क्वाइट श्योर दैट विल बी अ ट्रीट. तो वही बात है कि लेट देयर 100 फ्लावर्स ब्लॉसम एंड लेट एकलव्यस एंड अर्जुनस ग्रो इन टुगेदरनेस लीडिंग इंडियन थिएटर. जब सब जो छोटे बच्चों हैं सबको मेरा अंतर से प्यार दे रहे हैं, और ये बोलना है कभी किसी का सबसे मांगो लेकिन काम अपना है. कोई आपको नहीं बताया था आओ भाई थिएटर करो, आप खुद का कुछ खुद में कुछ था जिसलिए आप थिएटर कर रहे हैं. सो आपको जान देकर थिएटर करना है सो दैट you can really make us all proud. Because as one of the elderly theatre persons who have really tried to stick to theatre for more than 5 decades, I think I have the right to ask for you the maximum. God bless you, God bless NSD, and let NSD prosper and reach out to real Indian theatre community. God bless us all. Thank you so much, sir. Thank you for your address, for your blessings, respected Shri Rudra Prasad Singh Gupta ji. Rashtriya Natya Vidyalaya ke Karyakari Adhyaksh Shri Arjun Dev Charan ji, kavi, alochak, natakkar, rang nirdeshak aur anuvadak ke roop mein to sahitya aur kala ke kshetra mein apna vishisht sthan rakhte hi hain. Iske alawa yuva rangkarmi, ubharte hue kalakar unhe apna aadarsh mante hain. Vicharon ki unchai, व्यक्तित्व की गहराई, सादगी, दृढ़ता का अनूठा संगम आपको डॉक्टर चारण के व्यक्तित्व में महसूस होगा. देश के प्रतिष्ठित रंग समूहों में सम्मिलित रम्मत थिएटर के संस्थापक श्री अर्जुन देव चारण जी अपनी परंपराओं से गहरे जुड़े भी हैं और उसके संवर्धन के लिए समर्पित भी हैं. आप सबकी कर्तृध्वनि के बीच मैं निवेदन करने जा रही हूँ डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी से संबोधन के लिए. नामदेव को बुला लो. आदरणीय रुद्रदा, इस समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक आदरणीय सुरेश शर्मा जी, सभागार में उपस्थित हमारे आदरणीय बज्जू भाई, आदरणीय गोविंद नामदेव जी, आदरणीय किरण जी, जयदेव तनेजा साहब, आदरणीय प्रयाग जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रजिस्ट्रार आदरणीय प्रदीप मोहंती जी,
और नाट्य के सभी सामाजिक 21 दिन का 21वां भारत रंग महोत्सव आज 21 तारीख को संपन्न हो रहा है। 21 की संख्या हमारी परंपरा में बहुत शुभ मानी गई है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि नाट्य के कर्म में जो भी सक्रिय होता है वो समाज के शुभ के लिए सक्रिय होता है। सुरेश जी ने शिव की महिमा का बखान किया, वो तो सृष्टि के पालक हैं, नटराज कहे जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक कहानी बहुत अद्भुत जुड़ी हुई है और जिसे हम सभी कला में सक्रिय लोग या साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को समझना चाहिए, उस कहानी का अर्थ जानना चाहिए कि वो महत्वपूर्ण संदेश हमें देती है, क्योंकि हम जो भी रचनाकार या कलाकार हैं उनका अपनी सर्जना से बहुत मोह होता है, प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा जो पौराणिक वाङ्मय है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ब्रह्मा ने एक सुंदर स्त्री की सर्जना की और स्वयं उस पर मोहित हो गए। और वो जिधर जाती उसके पीछे पीछे ब्रह्मा जाने लगे, घूमने लगे, उनके सिर बढ़ने लगे, एक से दो, दो से तीन, चार, ऊपर पांचवा सिर निकल आया। जब शिव को ये पता लगा तो वो अपना धनुष लेके ब्रह्मा को मारने दौड़े और उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। कहानी ये संकेत करती है कि सर्जक को अपनी सर्जना से मोह नहीं रखना चाहिए, वो उसके लिए भी घातक है। मोहासिक्त होना वैसे भी हमारी परंपरा में कोई अच्छी बात नहीं मानी गई है और हमारा जो सबसे बड़ा ग्रंथ भगवत गीता माना गया है वो तो नष्टो मोह का ही संदेश देता है। तो जीवन में मोह ना रखें। हमारा जो दूसरा आदर्श नटवर जिसे हम कहते हैं, ये सारे नट से जुड़े हुए हैं। हम जिस कर्म में लगे हुए हैं वो नट का कर्म है और नटवर के जीवन में भी आप देखिए मोह नहीं है, जिस मां से पैदा हुआ उसके पास नहीं रहा, जो उसकी प्रेमिका लोक में प्रतिष्ठित है कभी उसके पास नहीं गया। जब वृंदावन मथुरा छोड़ दिया तो कभी लौट के नहीं गया। वही व्यक्ति अपने जीवन में किसी दूसरे को कह सकता है अर्जुन मोह मत कर, क्योंकि उसका पूरा जीवन मोह से बाहर है। इसलिए हम जब सृजन कर्म में संलग्न होते हैं तो मनुष्य की वृत्ति है, जो पांच विकार माने गए हैं उसमें मोह भी एक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने की शर्त यही है कि उन विकारों से हम युक्त हैं। लेकिन मित्रों, जब हम नाट्य के क्षेत्र में सक्रिय होते हैं तो पहली शर्त यही होती है
कि अपने से बाहर निकलो। नाट्य हमें अखंडता का बोध देता है। इन 21 दिनों में हमने खंड खंड भारत को यहां अखंड होते देखा है, और एक प्रेक्षक के रूप में हमने अपने खंडित जीवन में भी एक अखंडता का भाव ग्रहण किया है, क्योंकि जिसे हम रस निष्पत्ति कहते हैं वो क्षणिक भर के लिए ही सही। हमारी संकीर्णताओं से हमें मुक्त करती है और एक विराटता का एहसास करवाती है। वो विराटता का एहसास, वो विराटता का भाव हमारे जीवन में बना रहे। कबीर ने कभी कहा था, उड़ गए फुलवा रह गई वास। ये 21 दिनों के जो नाटक अपनी सुवास हमको सौंप कर लौट रहे हैं, वो सुवास हमारे जीवन में बनी रहे, हम अखंडता के भाव से, विराटता के भाव से जुड़े रहें, यही कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी। आपके शब्द, आपके विचार हमें हमेशा प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। And now, ladies and gentlemen, for vote of thanks, I would request Dr. Abhilash Pillai ji, Professor Acting in Direction, Dean Academics, Center in Charge, and in charge of Cultural Exchange Program of NSD. Dr. Abhilash Pillai is a play director, pedagogue, and scholar of contemporary Indian theatre. A warm and graceful evening to our most valued chief guest, Shri Rudra Prasad Sen Gupta ji, Dr. Arjun Dev Charan ji, acting chairman NSD, and Shri Suresh Sharma ji, director in charge NSD, as well as one and all gathered over here. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of National School of Drama, extend a very hearty vote of thanks to the chief guest who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. I also extend thanks to Dr. Arjun Dev Charan ji, acting chairman, and Shri Suresh Sharma ji, director in charge, Shri P.K. Mohanty, registrar NSD, NSD faculty members, Shri O.P. Sagar, deputy registrar NSD, and technical staff for taking initiative to organize this international theatre festival, that is BRM21. I extend my sincere gratitude to all my colleagues and NSD students for their full support and enormous cooperation in organizing various allied event activities as part of this gala event. Event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling months ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated, experienced and dedicated staff of our school who know their job and are result oriented. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. I especially thank the people who have been backbone of the function, that is our festival cell, all the allied events team, office of the director and registrar, academic department, administration and accounts department, transport and accommodation, property department, workshop, costume department, music department, all technical department, that is light, sound, video, digital archives, production department, estate department, PRO cell, logistic team, security staff and all supporting staff members. A special thanks to our press and media persons for covering the entire theatre festival. I thank all the theatre directors and groups who showcased their stunning performances, and all theatre experts who has accepted our invitation and spared their valuable time to share their experience and expertise in the field of theatre and its allied arts. I thank you all, the audience, for being with us this evening. It's been really a great pleasure. Thanks a lot to one and all directly or indirectly involved in organizing and making this 21 days of theatre festival a most memorable event. Alvida, we'll meet again next year with another new edition of Bharat Rang Mahotsav. Thank you. Thank you, Dr. Abhilash Pillai ji.
और मंच पर आसीन सभी मान्यगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और निवेदन करते हैं आप पहली पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रसिद्ध नाटककार एवं निर्देशक श्री रतन थ्याम जी द्वारा निर्देशित मणि